बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा का जो ब्लास्ट है उसका एक वीडियो सामने आया है। बता दें आपको कि ये कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई है पूरी घटना। पूरा वीडियो कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ। ब्लास्ट से पहले बस के पास एक कार नजर आती है, ये तस्वीरें आप देखिए। बस के पास जाते ही कार में धमाका हो जाता है। 5 चीनी नागरिकों की इसमें मौत हुई थी। तो ब्लास्ट से पहले बस के पास एक कार दिखी और अचानक से बड़ा हादसा हो जाता है, बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें आपको बता दें कि यही वो हादसा था जिसमें 5 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी। और उसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति दौड़े दौड़े चीनी दूतावास भी पहुंच गए थे मुलाकात करने के लिए और सफाई देते हुए भी नजर आए थे। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा ब्लास्ट का, ये वीडियो सामने आया है जिसमें 5 चीनी नागरिकों की जान गई थी। तो खैबर पख्तूनख्वा का जो ब्लास्ट है उसका एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गाड़ी का जो डैश कैम है उसमें ये पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ है। ब्लास्ट से पहले बस के पास एक कार नजर आई और बस के पास जाते ही कार में धमाका हो जाता है जिसमें कि 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान के आला कमान में काफी हड़कंप मच जाता है और चीनी दूतावास के पास जाकर राष्ट्रपति खुद मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कार्रवाई का, सफाई देते हुए नजर आते हैं। और अब उसका जो वीडियो है वो सामने आया है और आप इस वीडियो को देखिए। कार का जो डैश कैम है उसमें रिकॉर्ड हुआ है, कार का शीशा भी इसमें क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है। पहले बस के पास एक कार जाती हुई दिखती है और उसके बाद ये बड़ा धमाका हो जाता है। 5 चीनी नागरिकों की मौत इस हादसे में हो गई थी। जिस कार में डैश कैम लगा हुआ है जिसके जरिए ये पूरी तस्वीर रिकॉर्ड हुई है, उस कार में भी नुकसान पहुंचता है, उसका पूरा शीशा क्रैक हो जाता है। Z News।